श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 68वां कौरवों पर बलराम जी का कोप और सांब का विवाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जामवंती नंदन सांब अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, यह बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। वह तो इसे चाहती भी ना थी, अतः इस ढीठ को पकड़कर बांध लो। यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वे लोग हमारी ही कृपा से, हमारी ही दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे और उन लोगों के मिजाज वैसे ही ठंडे हो जाएंगे जैसे संयमी पुरुष के द्वारा प्राणायाम आदि उपायों से वश में की हुई इंद्रियां। ऐसा विचार करके कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन आदि वीरों ने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों की अनुमति ली तथा सांब को पकड़ लेने की तैयारी की। जब महारथी सांब ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीर धनुष चढ़ाए हुए सांब के पास आ पहुँचे और क्रोध में भरकर उनको पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रहे, इस प्रकार ललकारते हुए बाणों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, यदुनंदन सांब अचित्य ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। कौरवों के प्रहार से वे उन पर चिढ़ गए, जैसे सिंह तुच्छ हिरणों का पराक्रम देखकर चिढ़ जाता है। सांब ने अपने सुंदर धनुष का टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6-6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया। उनमें से 4-4 बाण उनके 4-4 घोड़ों पर, 1-1 उनके सारथियों पर और 1-1 उन महान धनुषधारी रथी वीरों पर छोड़ा। सांब के इस अद्भुत हस्त लाघव को देखकर विपक्षी वीर भी मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर सांब को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने 1-1 बाण से उसके 4 घोड़ों को मारा, 1 ने सारथी को और 1 ने सांब का धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से सांब को रथहीन करके बांध लिया। इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। परीक्षित, नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी कलह प्रधान कलयुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुरुवंशियों और यदुवंशियों के लड़ाई झगड़े को ठीक न समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए। उनके बीच में बलराम जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो चंद्रमा ग्रहों से घिरे हुए हों। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ब्राहिक और दुर्योधन की विधि पूर्वक अभ्यर्थस्थान वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। अपने परम हितैषी और प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे उद्धव जी का विधि पूर्वक सत्कार करके अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की अगवानी करने चले। फिर अपनी अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार सब लोग बलराम जी से मिले तथा उनके सत्कार के लिए उन्हें गौ अर्पण की एवं अर्घ्य प्रदान किया। उनमें जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और यह सुनकर कि सब भाई बंधु सकुशल हैं, बलराम जी बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ यह बात कही, सर्वसमर्थ राजाधिराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो और अविलंब उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहा, हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा सांब को हरा दिया और बंदी कर लिया। हम सब इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट ना पड़े, एकता बनी रहे। परीक्षित, बलराम जी की वाणी वीरता, शूरता और बल पौरुष के उत्कर्ष से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिल मिला उठे। वे कहने लगे, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। सचमुच काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता, तभी तो आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया। ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने ही इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बिठा लिया।
ये यदुवंशी चवर, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, मुकुट, राज सिंहासन और राजोचित शैया का उपयोग उपभोग इसलिए कर रहे हैं कि हमने जानबूझकर इस विषय में उपेक्षा कर रखी है। बस बस, अब हो चुका। यदुवंशियों के पास अब राज चिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं, उन्हें उनसे छीन लेना चाहिए। जैसे सांप को दूध पिलाना पिलाने वाले के लिए ही घातक है, वैसे ही हमारे दिए हुए राज चिन्हों को लेकर ये यदुवंशी हमसे ही विपरीत हो रहे हैं। देखो तो भला, हमारी ही कृपा प्रसाद से तो इनकी बढ़ती हुई और अब ये निर्लज्ज होकर हम ही पर हुक्म चला रहे हैं। जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ छीन नहीं सकता, वैसे ही यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरव वीर जानबूझकर ना छोड़ दें, ना दे दें, तो स्वयं देवराज इंद्र भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुरुवंशी अपनी कुलीनता, बांधवों, परिवार वालों, भीष्म आदि के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचार की भी परवाह नहीं की और वे भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता, अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उस समय उनकी ओर देखा तक नहीं जाता था। वे बार बार जोर जोर से हंस कर कहने लगे, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं बल्कि दंड देना है। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग आवश्यक होता है। भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने उन्हें शनय शनय समझा बुझाकर इन कार्यों को शांत करने के लिए, सुलह करने के लिए आया, फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। इन्हें शांति प्यारी नहीं, कलह प्यारी है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियां बक रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है, पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे उग्रसेन राजाधिराज नहीं हैं। वे तो केवल भोज, विष्णी और अंधकवंशी यादवों के ही स्वामी हैं, जो सुधर्मा सभा को अधिकार में करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओं के वृक्ष पारिजात को उखाड़ कर ले आते हैं और उसका उपभोग करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं। अच्छी बात है, सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरण कमलों की उपासना करती है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र, छत्र, चंवर आदि रजोचित सामग्रियों को नहीं रख सकते। ठीक है भाई, जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुषों द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है। सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुट पर जिनके चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा, शंकर, मैं और लक्ष्मी जी जिनकी कला की भी कला है और जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए भला राज सिंहासन कहाँ रखा है। बेचारे यदुवंशी तो कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा भोगते हैं। क्या खूब, हम लोग जूती हैं और ये कुरुवंशी स्वयं सिर हैं। ये लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त घमंडी कौरव पागल सरीखे हो रहे हैं। इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर की है। मेरे जैसे पुरुष जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने ला सकता है, भला इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है। आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध से ऐसे भर गए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे घबरा उठे। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ सांब को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम जी की शरण में गए और कहने लगे, लोकाभिराम बलराम जी, आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं, हम आपका प्रभाव नहीं जानते। प्रभो, हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसीलिए आप हम लोगों का अपराध क्षमा कर दीजिए। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं। सर्वशक्तिमान प्रभो, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी हैं और ये सब के सब लोग आपके खिलौने हैं। अनंत, आपके सहस्त्र सहस्त्र सिर हैं और आप खेल खेल में ही इस भूमंडल को अपने सिर पर रखे रहते हैं। जब प्रलय का समय आता है तब आप सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीय रूप से शयन करते हैं। भगवान, आप जगत की स्थिति और पालन के लिए विशुद्ध सत्वमय शरीर ग्रहण किए हुए हैं। आपका यह क्रोध, द्वेष या मत्सर के कारण नहीं है, यह तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है।
समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सर्व प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता देव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौरवों का नगर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे। जब सब के सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गए और डरो मत ऐसा कहकर उन्हें अभयदान दिया। परीक्षित, दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। उसने दहेज में 60-60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियां दी। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने यह सब दहेज स्वीकार किया और नवदंपति लक्ष्मणा और सांब के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की यात्रा की। अब बलराम जी द्वारकापुरी में पहुंचे और अपने प्रेमी तथा समाचार जानने के लिए उत्सुक बंधु बांधवों से मिले। उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना वह सारा चरित्र कह सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। परीक्षित, यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 68वां समाप्त।